Hey, good morning guys, how are you? Welcome back to the vlog. मेरा नाम निखिल है एंड यू गाइज आर वॉचिंग ट्रैवलिंग टैंक्स. एंड आज का वीडियो शुरू करते हैं. बस थोड़ी ही देर में जैसे हमारा ई रिक्शा आ जाए तो हम लोग चलते हैं एंड वी आर एक्सप्लोरिंग माजुली जिंगराई मुख. एंड ये हमारी अकोमोडेशन जहाँ हम रह रहे हैं, ये आई बी है, इंस्पेक्शन बंगलो, जो गवर्नमेंट का है, बट थ्रू निक वी गॉट इट एंड इट्स थैंक्स निक फॉर लेटिंग अस दिस अकोमोडेशन. एंड आज निकलते हैं. आज सुबह स्टार्ट बड़ा लेजी हुआ है. हम लोग सिर्फ ब्रेकफास्ट के लिए गए थे, मैं और कीर्ति, एंड ब्रेकफास्ट करके आए, फिर तैयार हो गए हैं. और आज हमने हायर किया हुआ है एक ई रिक्शा जो मैं पूरा जिंगराई मुख दिखाएगा, द होल विलेज. सो लेट्स सी विलेज में और क्या क्या इंटरेस्टिंग है. जैसे हमने देखा यहाँ पे काफ़ी लेडीज़ वीविंग वगैरह करती हैं, और देखेंगे यहाँ पे और लोग क्या करते हैं. फिशिंग है, वीविंग है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं. मास्क मेकिंग भी है. मास्क मेकिंग स्पेशल विलेज में है, तो हम लोग होपफुली वहाँ कल जाएंगे. बट आज हम लोग जिंगराई मुख ही घूमेंगे एंड डिफरेंट सपोरीज देखेंगे, घाट देखेंगे. तो बस ई रिक्शा की वेट हो रही है, फिर चलते हैं. फाइनली माय ई रिक्शा आ गया है, तो वी आर ऑन द मूव नाउ. एंड दिस इज़ द ब्यूटिफुल आई बी इंस्पेक्शन बंगलो जो मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, आई बी है. बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही अच्छा लॉन है उसके बाहर. सो यू नो, एंजॉइंग द स्टे ओवर हियर. रूम्स ओके है, नॉट मेंटेन बिकॉज यहाँ पे कोई रहता ही नहीं है. सो चलते हैं, आज घूमते हैं जिंगराई मुख. क्या नाम है बाबूजी आपका? रंजीत नाथ. तो आज आप हमें कहाँ कहाँ घुमा रहे हो बाबूजी? हम जाएगा सामोगी सत्तर. हाँ, घाट पे जो है. ठीक है, तो चलते हैं फिर. चलिए दोस्तों, कीर्ति प्रमोट कर रही है रंजीत को. चलते हैं. फाइनली ट्रिप शुरू हो गया आज का, विलेज ट्रिप. और आई एम श्योर मज़ा आएगा आप लोगों को भी देखने में कि गांव की एक सिंपल लाइफ कैसे होती है. हम लोगों का आज का पहला स्टॉप निक का घर, बिकॉज हम लोग पानी भरने आए हैं यहाँ से, ताकि घर का पानी पिए. बस यहाँ पे फिल्टर वगैरह लगा हुआ है, सो इट्स मच बेटर. तो निक के घर से स्टार्ट कर रहे हैं अपना आज का ट्रिप दोबारा. कीर्ति अभी ऊपर जा रही है पानी भरने, मैंने कहा मेरी बोतल भी भर दे प्लीज. ये बैकयार्ड है घर का. निक के भाई की शादी है, तो सारी प्रिपरेशंस चल रही है एंड वी आर ऑल्सो एंजॉइंग द मोमेंट उनके साथ. जिंगराई मुख से अराउंड 5-7 किलोमीटर हम लोग आ गए हैं, और हम आ गए हैं सामागुरी में. एंड जैसे ही स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने कहा आपको एक बार इसकी एंट्री दिखा दूँ यहाँ की जगह की. देखिए, दिस इज सामागुरी. Thank you.
यहाँ पे आके थोड़ा लैंडस्केप भी चेंज हो गया है, यहाँ पे ज़्यादा फॉरेस्टी टाइप लग रहा है एंड यहाँ के घर भी थोड़े ज़्यादा कॉन्क्रीट हैं। चलते हैं आगे। यहाँ से हम लोग फाइनली पहुँच गए हैं सामुग्री सत्रह इज लाइक मोनेस्ट्री इन वैष्णवी लैंग्वेज, वैष्णवी रिलीजन, दे कॉल मोनेस्ट्री अ सत्रह। सो हम ही वहाँ आए हैं। तो जैसे ही आए तो हमें यहाँ पे मास्क मेकिंग दिख गया, तो हम लोग रुक गए मास्क मेकिंग के लिए। आपको दिखाते हैं मास्क कैसे बनते हैं यहाँ पे। कौन सा मास्क बना रहे हो आप? हनुमान दिखाना है इधर से। ब्यूटीफुल। तो ये बनाते कैसे मेरे को बताओगे आप? अच्छा, पहले बेम्बू होता है इसके अंदर, इसके ऊपर कॉटन का क्ले लगाकर। किसका? कॉटन कपड़ा। अच्छा, कॉटन कपड़ा। हाँ, क्ले लगाकर। हाँ, बेम्बू की फ्रेम के ऊपर। अच्छा, उसके बाद कावदाग से सहरा बनाते हैं। हाँ, फिर उसके बाद कॉटन कपड़ा मिट्टी लगाकर के ऊपर कपड़ा बनाएगा। अच्छा, फिर पेंट सूखने के बाद। बहुत सुंदर। तो ये जो ऊपर का जो पार्ट बना हुआ है, ये भी पहले इससे बैम्बू से बना हुआ है या इसको किससे बनाया है? ये। हाँ, पहले बैम्बू से बनाया हुआ है। हाँ, इसके बाद कपड़ा में आ गए। ये जो एकेडमी है, यहाँ पे मास्टर जी सिखाते हैं, बच्चे सुबह स्कूल भी जाते हैं, और कोई 3 महीने से काम कर रहा है, कोई 2 साल से लगे हुए हैं, सब ट्रेनिंग ले रहे हैं यहाँ पे और बहुत ही खूबसूरत बना रहे हैं। एक का तो देखा आपको, आगे और भी दिखाता हूँ मैं। सामग्री में मिलेगी ये वाला। और कहीं मास्क में ये दोस्त गरुड़ बना रहे हैं। हाँ। दिखाना गरुड़ कैसे बना रहे हो यार। इसका अंदर से दिखाना एक बारी। ये भी ऐसी मास्क बना हुआ है। पहले बैम्बू का फ्रेम बैम्बू का बन गया, उसके ऊपर फिर कपड़ा लगा दिया। ये सूती कपड़ा है, कॉटन कपड़ा। अच्छा, उसके बाद ये जो कावडांग है ना, हाँ, उसके साथ ये सेप बनाया जाता है। ये क्या, ये क्ले है? ये क्ले कारण है। अच्छा, तो जैसे इसकी चोंच बनाई है, चोंच कैसे बनाई है इसकी? थर्माकोल से। अच्छा, ये थर्माकोल है। ओके, थर्माकोल को घिस रहे हैं ताकि वो साइज का बन जाए। इससे क्या बना रहे हैं? थर्माकोल का काट के क्या बनाएंगे? अच्छा, दांत बना रहे हो, दांत। अंदर चलते हैं, अंदर बहुत सारे मास्क बने पड़े हैं। ओहो, ये एलिगेटर भी बना है। क्रोकोडाइल है ये? नहीं, ये अघासुर। हाँ, अघासुर। ऑस्ट्रेलिया में जो कृष्ण मारने की थे ना, अघासुर, बड़ा सर्प। ये जो क्रोकोडाइल को क्या घरासुर? अघासुर। घासुर, अघासुर सर्प, बड़ा सर्प, अजगर। अजगर। अच्छा, ये रास्तिला में कृष्ण मारने के लिए आए है। अच्छा, जो कृष्ण मारने के लिए जो कंस को जो सूर्य पता है ना। हाँ जी। तो अघासुर, बकासुर, पुतना। हाँ। शक्रवात, धेनुकासुर, ये एक असुर है रास्तिला में, मेन कैरेक्टर। अच्छा, ये असुर है। बहुत खूबसूरत। हाँ। बहुत खूबसूरत। हमारा ये काम है। ये जो मास्क मेकिंग की कला है, ये सन 1663 से चली आ रही है और यही फैमिली चला रही है, जिनमें इनको पत्र भी मिला है श्री अब्दुल कलाम जी से, और ये जनरेशन टू जनरेशन आगे चलता जा रहा है। और ये 1663 में फाउंड हुआ था एंड मैं अभी आपको फ़ोटो भी दिखाता हूँ उनकी, जिन्होंने उनको पत्र मिला था श्री अब्दुल कलाम जी से। कोशकांता देव घोष जी को भी मिला था संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड, और श्री नारायण चंद्र देव गोस्वामी को भी मिला था। ये उनकी फ़ोटोज़ हैं। कितनी अच्छी बात है कि एक कला जो चल रही है, अगर ये लोग नहीं होते आज तो ये कला भी एक्सटिंक्ट हो गई होती हमारे यहाँ से। जनरेशन टू जनरेशन ये कला चल रही है, एक जनरेशन अपनी आगे वाली जनरेशन को यही सेम कला हैंड ओवर करके जा रही है। तो ये आज जो आर्ट है, जो मास्क मेकिंग का जो आर्ट है आज, वो अभी भी लाइव है यहाँ पे। और ये 17 जो है, ये 1663 में फाउंड हुआ था और उसके बाद जनरेशन टू जनरेशन से चलती जा रही है। हमारा पिताजी अवार्ड मिला है 2003 में, देखिए ये ताम्रपत्र मिला है। अच्छा अच्छा, अब्दुल कलाम जी को साथ विज्ञान भवन में पिताजी को ताम्रपत्र मिला है। बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत बड़ा आर्टिस्ट था पिताजी। अच्छा, पिताजी का नाम ये कोशकांत देव गोस्वामी, श्री कोशकांत देव स्वामी, बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, सलाह किया पिताजी 2003 में। अच्छा, कला तो देखो आगे पास करके गए हैं। ये किसका, शिव जी है? ये शिव जी नहीं, ये जो अलग अलग कैरेक्टर है, एक साइड में अलग है राक्षस है और एक साइड नॉर्मल जो। अच्छा, राक्षस और नॉर्मल। नरकासुर।
ये कौन है बाबू जी? ये राक्षस है। राक्षस है ये जो कौन कबन था राक्षस, ये जो श्रूपनखा का जो था नहीं है, ये श्रूपनखा ये क्या नहीं है? अच्छा ये आंखों ये जगह में बुक में। अच्छा वो राम लक्ष्मण वनवास गए सीता खाने के लिए। हाँ। इसके लिए ये जो राम लक्ष्मण खाने के लिए दो हाथ से ऐसा लंबा हो गया था ये। अच्छा लक्ष्मण जी ने जिसका हाथ काटा दिया था वो राम का हाथ में मुक्ति मिला था ये। अच्छा ये कबंध राक्षस। कबंध राक्षस बहुत बढ़िया। ये नरसिंह है ना? नरसिंह ये विष्णु और वो मेरे ख्याल से पूजा भी यहीं पे करते हैं। ये आप यहाँ पे पूजा इनकी पूजा करते हैं? तो ये कौन से भगवान है? ये नरसिंह जी हैं। हाँ अच्छा। और ये कौन से भगवान जी हैं? सब नरसिंह हैं। सभी नरसिंह हैं। अच्छा ये वाले कौन से भगवान? ये भी कृष्ण जी का एक अवतार है ना? हाँ। मुंह खोलिए। ये कौन है? मैं इसको जानता हूँ? नहीं जानता मैं इसको। ता-दा, ये तो कीर्ति है। These are so cool. ऐसे मन कर रहा है जैसे पूरा सारा पहन के उछलते। यहाँ पे सिर्फ मास्क की नहीं, यहाँ पे जो विलेज की लेडीज है उनके लिए भी ट्रेनिंग दी जाती है और वो लोग ऐसी बास्केट्स वगैरह बनाते हैं और जो भी इससे खरीदता है या जो बिकता है तो उसका पैसा जो है वो उनके घर पे जाता है, लेडीज़ के घर पे जाता है। तो बहुत ही प्रिटी प्रिटी हैं, अगर आप लोग देखेंगे बहुत प्रिटी प्रिटी बास्केट्स बनी हुई हैं। घर के लिए मैट्स भी, अगर आपको टेबल मैट्स टाइप चाहिए तो वो भी यहाँ पे बनता है। तो आप भी अगर यहाँ पे आए तो इसको ज़रूर खरीदिएगा। मैं भी यहाँ से कुछ लूँगा ताकि विलेज में थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन हो और लेडीज़ को कुछ पैसा मिले। हनुमान जी का गदा है। जय श्री हनुमान की जय। मैं को मार मत देना। तारामुख में क्या होगा? आप क्या कर रहे हो अंकल? आप जो मास बनाया ना? हाँ जी वो मास बनाया, वो फेम बनाया है बैंबू से। हाँ जी हाँ जी। अच्छा तो उसके लिए आप कर रहे हो? बाबूजी पेंट कर रहे हैं तो मैंने कहा दिखाइए आप लोग पेंट कैसे करते हैं।